हमने उठाया है, ये बात को रिफ्लेक्ट करता है कि पीएमएलएन के लिए और मेरे लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए कितना इस चीज़ को की इम्पोर्टेंस है कि जो पाकिस्तान के अंदर यूथ है और उसका इतना बड़ा आबादी का बल्ज है, इतना बड़ा इतनी बड़ी जो कंसंट्रेशन है और इतनी परसेंटेज है और बढ़ती जा रही है, तो उस यूथ को जो है वो हम डायरेक्शन भी दें, उनके लिए हम प्लान भी दें, उनको पाकिस्तान में उनका मुस्तकबिल भी महफूज बनाएं। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आशिक आपको बहुत मुबारक। वेरी गुड आशिक पंजाब का यूथ कोऑर्डिनेटर है और मेरे साथ बहुत देर से काम कर रहा है, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छे तरीके से इसको सर अंजाम देगा। आप लोग भी, मैं कुछ आप में से मेरे हमारे एमएनएज़ हैं, क्या एमपीएज़ हैं, टिकट होल्डर्स हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से आप लोगों ने काम किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बेहतरीन तरीके से निभाएंगे, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला। और मेरा, ना सिर्फ मेरा, नवाज शरीफ साहब का, मुस्लिम लीग नून का, बल्कि पाकिस्तान का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद करेंगे, पाकिस्तान के झंडे को ऊंचा रखेंगे। और ये मैं आपसे एक्सपेक्ट भी करती हूँ, यही मेरी एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड है आपसे और इस कौम के तमाम नौजवानों से, अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड, के मुल्क को अगर इस वक्त कोई डायरेक्शन की ज़रूरत है, किसी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है जो मुल्क की किस्मत बदल सकती है, तो वो पाकिस्तान की यूथ है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है। और आपने देखा होगा कि मैं ये सिर्फ बात नहीं करी, जब से मुझे चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा मिला है, सबसे ज़्यादा मेरी जो तवज्जो है वो यूथ के ऊपर है। और मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ यूथ जो है वो सियासत में इन्वॉल्व हो, मैं ये चाहती हूँ कि यूथ की रिप्रेजेंटेशन हर तरह से नेशनल लेवल पे इतनी ज़्यादा हो कि वो पाकिस्तान के अगर सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान का हाल हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, तो वो यूथ के पास वो ताकत को हम पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ जहाँ तक मेरे कोऑर्डिनेटर्स का ताल्लुक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह काम करेंगे। अब ये बात ध्यान से सुनना, ये मेरी मिशन स्टेटमेंट है कि ये यूथ जो है, ये कोऑर्डिनेटर्स इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को अदा करेंगे, इस तरह से तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर काम करेंगे कि जो टाइड है उसको टर्न करेंगे इंशाल्लाह। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं समझती हूँ एमएनएज़ एमपीएज़ से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबके कंधों पे, और आई होप कि आपको इस चीज़ का एहसास है कि आपके ऊपर पार्टी ने कितना बड़ा एतमाद किया, और मुझे उम्मीद है कि आप, यू विल बी एबल टू इंशाल्लाह ताला लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद यू। तो बात यह है कि इस वक्त आप ये देखो कि बहुत बड़ी परसेंटेज यूथ की है पॉपुलेशन के अंदर और बढ़ती जा रही है, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि उसको सियासी ईंधन तो बनाया जाता है लेकिन उसके मुस्तकबिल के बारे में कोई नहीं सोचता। और मैं फ़ख्र के साथ ये बात कहती हूँ कि चाहे वो 2013 से पहले शहबाज शरीफ साहब का, 2008 से लेके 2013 तक उनकी चीफ मिनिस्टरशिप का अहद हो, या फिर 2013 से लेकर 2018 तक, अगर किसी जमात के पास पाकिस्तान की तरक्की का प्लान है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए प्लान है, पाकिस्तान की यूथ के लिए प्लान है, एनर्जी के लिए प्लान है, टेररिज्म के लिए प्लान है, क्लाइमेट चेंज के लिए प्लान है, तो वो सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और आपने ये देखा होगा कि बाकी जमातें बड़ा दावा करती हैं कि जी हम यूथ को रिप्रेजेंटेशन देंगे, यूथ की जमात है, लेकिन आप मुस्लिम लीग नून का जो जो कंपैरिजन है वो करें दूसरी जमात के साथ। मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी, फ्यूचर की मैं बात नहीं करी, इस वक्त भी जो यंग पार्लियामेंटेरियंस की सबसे बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून के पास है, माशाल्लाह। और ये मुझे, मेरी नज़र पड़ गई है, साथ बैठा हुआ है कसूर से एमएनए, साथ कितनी उम्र है आपकी? 31। और ये तब 25 के थे जब बने थे क्या?
ही वॉज 27 जब ये MNA बने माशाल्लाह कसूर से. इरादत आपकी क्या एज है? 33. और आप MNA कब बने थे? 28 ईयर्स में. तो मेरा ख्याल है कि जितनी बड़ी यूथ की पार्लियामेंटेरियंस की तादाद PMLN के पास है शायद किसी और जमात के पास नहीं है. शिजा है ये बैठी हुई यूथ प्रोग्राम की जो हेड है. यू आर 25 जस्सी माशाल्लाह. हाँ ये तो सब अंकल इस तरह तो सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह. तो बात ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये यहाँ तक बात ना रुके. आने वाली जो पार्लियामेंट हो चाहे वो प्रोविंशियल पार्लियामेंट हो या वो नेशनल पार्लियामेंट हो सब में सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो यूथ की. और मैं ये समझती हूँ कि जो आप में से ही हमारे फ्यूचर MNAs होंगे MPAs होंगे लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो मुझे TV पे सुन रहे हैं मैं ये समझती हूँ कि सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेशनल लेवल पे भी प्रोविंशियल लेवल पे भी यूथ की होनी चाहिए क्योंकि यूथ सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के. अब जो यूथ के लिए सिर्फ नारा नहीं दिया मुस्लिम लीग नून ने मैंने अभी बताया चाहे वो 2008 से 2013 तक हो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत या वो 2013 से 2018 तक हो जिसमें नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का पहला यूथ प्रोग्राम दिया था उसमें जो हमारा पीफ प्रोग्राम था स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम जिसमें ना सिर्फ बच्चों को ब्राइट स्टूडेंट्स को मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के अंदर उनको मौके मिले स्कॉलरशिप्स मिली उनको दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में भी शहबाज शरीफ साहब ने भेजा इंटर्नशिप्स मिली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको प्रमोट किया उनकी हैंड होल्डिंग की और लोन स्कीम्स में उनका उनको लोन स्कीम दी आसान एक साथ पर. और उस वक्त जब मैं यूथ प्रोग्राम को देख रही थी तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई थी ये जान के कि जो वो जब कर्ज़ा वापस करने की बात आई तो 99% जो है लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट करके तो कर्ज़े वापस करने शुरू कर दिए एंडाउमेंट फंड्स जो हैं वो बनाए गए. और इसी तरह आप देखो कि दुनिया कहाँ जा रही है हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है दूसरे मुल्कों में जाके हमारा वो ब्रेन ड्रेन जो है वो उस मुल्क की तरक्की के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है चाहे वो इंजीनियर्स हों या वो डॉक्टर्स हों या वो स्किल्ड लोग हों. तो मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो मुल्क में पढ़कर तालीम हासिल करके अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो उनके लिए वो प्रोग्राम्स उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए उस तरह का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी है. सिर्फ सियासी ईंधन नहीं बनाना अपने नौजवानों को उनको डायरेक्शन भी देनी है उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है ताकि वो हर चीज़ में एक्सेल कर सकें चाहे वो रूरल यूथ हो बहुत बड़ी तादाद 65% जो तादाद है वो रूरल यूथ की है और चाहे वो अर्बन यूथ हो सबको हमने मेन स्ट्रीम के अंदर इनकॉर्पोरेट भी करना है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तरक्की के लिए देनी है. और अब देखें आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है IT का ज़माना है. आप बांग्लादेश को देखो इंडिया को देखो मैं बार बार ये बात कि वो कहाँ निकल गए टेक्निकल स्टार्टअप्स में इनक्यूबेटर्स में और जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं हमारे पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स है हमें उस वर्कफोर्स को टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्कफोर्स में तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि हमारे मुल्क में भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों और अगर वो मुल्क से बाहर जाके अपना नाम बनाना चाहते हैं अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करना चाहते हैं तो हाथों हाथ उनको वहाँ पर लिया जाए. और आजकल फ्रीलांस जो वर्क है उसका ज़माना है उसके लिए हमें लोगों को ट्रेन करना है टेक्निकल एक्सपर्टीज़ उनको देनी है उनकी हैंड होल्डिंग करनी है उनके ट्रेनिंग सेशंस करने हैं चाहे वो TEFTA के थ्रू हो या वो दूसरी क्या है NAFTAQ हो कोई भी हो. एग्रीकल्चर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है उसमें जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर है बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर है क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर है फूड प्रोडक्शन है और एग्रीकल्चर है लाइव स्टॉक है एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें चाहे वो डेयरी की प्रोड्यूस हो आपकी वेजिटेबल्स हो फ्रूट्स हो मीट हो पैकेजिंग हो उसकी एक्सपोर्ट हो और या ऑनलाइन मार्केटिंग हो
मेरा ख्याल है कि इसमें हम ना सिर्फ अपनी प्रोडक्शन को, अपनी यील्ड्स को बढ़ा सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर जाएंगे और यूथ को वो रास्ता दिखाएंगे, उनको हेल्प करेंगे, बल्कि हम जो अपनी मार्केटिंग है और दुनिया भर में जो हम अपनी एक्सपोर्ट है उसको किस हद तक बढ़ा सकते हैं, स्काई इज़ द लिमिट। और मैं ये भी समझती हूँ कि जो नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, अब ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है, उसमें यूथ का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। हमारी यूथ को इतना अवेयर होना चाहिए कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है, और ये आप सब ने हमारी आवाज़ बन के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो जाना है और ये पैगाम देना है कि यूथ का काम सिर्फ जलसों जुलूसों रैलीज़ में आके मार खाना डंडे खाना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सा मुस्तकबिल आपने अपने लिए चूज़ करना है और आपने किधर जाना है। ये बड़ा, आप देखो कल मैं देख रही थी टीवी के ऊपर कि बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो कॉल दी कोई रैली की, जिस तरह जेल भरो तहरीक की कॉल दी और उसका ईंधन बनाया वर्कर्स को, यंगस्टर्स को, और ख़ुद घर में छुप के बैठे रहे। और आप देखो कि घर में ना सिर्फ छुप के बैठे रहे बल्कि जब तक पुलिस खड़े रहे, खड़ी रही चारपाई के नीचे से नहीं निकले, और आगे किया हुआ था कौम के बच्चों को। कल जो बच्चा, जो कौम का नौजवान एक हलाक हुआ है, मैंने आज अभी कहा है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन क्या इस बात का जवाब यंगस्टर्स को नहीं मांगना चाहिए? कौन सी दुनिया की ऐसी कैंपेन है या कौन सी दुनिया की ऐसी तहरीक है जिसमें लीडर छुप के घर में बैठा हो और यंगस्टर्स को और पाकिस्तान की यूथ को डंडे खाने के लिए आगे कर दिया हो? पाकिस्तान की यूथ को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये जो उनको नारे उनको दिखाए जा रहे हैं या दिलफरेब ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है? उनको अपने बच्चे तो लंदन में बड़ी सेफ जगहों पे बिठाए हुए हैं, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। कौम के बच्चे जो है उनको आप कहते हो कि सड़क पे आओ और मार खाओ और मेरी कैंपेन लीड करो, खुद आप घर से नहीं निकलते। तो क्या मेरे जो नौजवान हैं इस मुल्क के, जो यूथ है, क्या उनका लीडर ऐसा होगा? क्या आपको ये एहसास नहीं है कि वो आपको आगे करके खुद वो टांग पे प्लास्टर चढ़ा के घर में बैठे हुए? और कल जो वो कारकुन हलाक हुआ है, उसकी उसकी जिम्मेदारी किस पर है? आपको ये फख्र होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब ने अपने कारकुनान को कभी अपनी शील्ड नहीं बनाया, इस मुल्क की यूथ को अपनी शील्ड नहीं बनाया। मैंने पहला गीदड़ देखा है जिसने कारकुनान को अपनी शील्ड बनाया, हालांकि लीडरशिप नवाज शरीफ जैसी हो तो वो कारकुनान की शील्ड बन जाता है। उन्होंने कभी नहीं कहा, यह होता है शेर और गीदड़ में फर्क, ये होता है लीडर और गीदड़ में फ़र्क। अगर जो अदलिया बहाली की तहरीक नवाज शरीफ साहब ने चलाई थी, अगर वो ये कहते कि सामने आ जाओ जी मेरे नौजवानों, आओ मेरी तहरीक में मेरा साथ दो, और ख़ुद नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन या घर से ना निकलते, तो वो तहरीक कभी कामयाब होती? दुनिया की मैंने पहली तहरीक ये देखी है जिसमें लीडर घर में छुप के बैठा है और ख़वातीन को और नौजवानों को सामने रखा हुआ। ऑप्शन से खिताब कर रही थी, मैंने कहा मैंने पहली दफ़ा सुना है, लोग हमेशा ख़वातीन की हिफाजत करते, ये पहला मैंने गीदड़ देखा है जो कहता है ख़वातीन आके मेरी हिफाजत करें। कारकुनान यहाँ पहुँच जाएं, कारकुनान वहाँ पहुँच जाएं, कारकुनान यहाँ पे ड्यूटी दें, कारकुनान इधर आ जाएं, कारकुनान हर जगह आ जाते, ये खुद कहीं पहुँचते ही नहीं। इससे बड़ा मजाक इस कौम की यूथ के साथ, इससे बड़ा मजाक इस कौम की आने वाली नस्लों के साथ और क्या होगा? मुझे बताएं, आप सब यूथ के नुमाइंदे मुझे हाथ उठा के बताएं कि ऐसे लीडर को आपका दिल भी करेगा लीडर कहने को? नवाज शरीफ साहब जब लंदन से अपनी बीवी को छोड़ के आके गिरफ्तारी देने के लिए आए थे तो उन्होंने आपको तो आगे नहीं रखा, बेटी का हाथ पकड़ा और गिरफ्तारी देने के लिए आ गए। तो ये भी नौजवानों को भी 10 बार सोचकर अपने लिए पॉलिटिकल एफिलिएशन का इंतखाब करना चाहिए, 10 बार सोच कर। और इस मुल्क के क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स आप हैं, तो आप जो 2013 से लेकर 2018 तक आप देख लें कारकर्दगी,
ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं है। और अब की कारकर्दगी आप देख ले, जो मुल्क डाउन हिल गया, नीचे गया, अब तक लुढ़कता जा रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या यूथ को ये सवाल अपनी क़यादत से नहीं पूछना चाहिए? मैं सवाल का जवाब दे सकती हूँ कि 2013 में हमें किस तरह का पाकिस्तान मिला था, और 2018 में हम तरक्की करता हुआ, टेक ऑफ करता हुआ पाकिस्तान जो है वो देकर गए इस कौम, इस मुल्क की यूथ को। 1.8% पे ग्रोथ थी, और नवाज शरीफ जब गया तो 6% ग्रोथ पे ये मुल्क कौम के हवाले करके गया। और आप ये देखो कि महंगाई उस वक्त क्या थी, IMF प्रोग्राम हमने भी चलाए हुए हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी चलाए हुए हैं। वो IMF प्रोग्राम एक अपनी नौयत का तारीख में वाहिद प्रोग्राम था जिसको सक्सेसफुली नवाज शरीफ ने ना सिर्फ पूरा किया बल्कि IMF प्रोग्राम के चलते हुए ना घी की कीमत बढ़ी, ना आटे की कीमत बढ़ी, ना रोटी की कीमत बढ़ी, ना बिजली की कीमत बढ़ी, ना चीनी की कीमत बढ़ी, ना सब्जियों की कीमत बढ़ी, ना गोश्त की कीमत बढ़ी, बल्कि कम होती रही। तो आज अगर हम सवाल करें तो किससे करें? जब मैं बाबा रेमता की बात करती हूँ, और जब मैं पैनामा बेंच की बात करती हूँ, और जब मैं उसके हैंडलर्स की बात करती हूँ, इमरान की बात करती हूँ, तो मैं इसलिए बात करती हूँ कि ये कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं। और पाकिस्तान की यूथ को ये डिमांड करनी चाहिए कि इन मुलजिमों को, मुजरिमों को उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस मुल्क में इंसाफ होगा, इस मुल्क में अहल क़यादत होगी, तो ये मुल्क आगे चलेगा, वरना ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये मुल्क पीछे को जाएगा। दुनिया आप देखो, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, और हम क्या कर रहे हैं? और हमारे मुल्क में एक शख्स खुलेआम फितना फैला रहा है, इंतशार फैला रहा है, फसाद फैला रहा है, उसको हर किस्म की इजाज़त है, दंदनाता फिर रहा है। तो जब मैं ये बात करती हूँ नौजवानों, जब मैं ये बात करती हूँ कि इस मुल्क में पहले हिसाब किताब होगा, पहले इंसाफ होगा, फिर इंतखाब होगा, तो क्या मैं गलत बात करती हूँ? इलेक्शंस का बड़ा आपको शौक उतरा हुआ है, तो पहले ये भी तो पूछना चाहिए यूथ को कि ऐसे फैसले पहले ऐसे इंसान के हाथ में क्यों दिए जो नशा करके बेसुध पड़ा होता है। चौधरी परवेज इलाही साहब आपके चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनसे पूछे बगैर असेंबली ज़बरदस्ती प्रेशर डलवा के असेंबली तोड़वा दी गई। स्टेक होल्डर परवेज इलाही, उससे किसी ने पूछा ही नहीं, उसको कहा तोड़ दो असेंबली, ज़बरदस्ती प्रेशर डाला। जो इंसान असेंबली में बैठा ही नहीं है, जो इंसान का कोई लेना देना ही नहीं है, वो उसको कह रहा है कि असेंबली तोड़ दो, तो कल क्या गारंटी है? आज इलेक्शन हो जाए, एक असेंबली ये जीत जाए, एक असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाए, तो क्या गारंटी है कि ये कल फिर वो असेंबली नहीं तोड़ेगा? क्योंकि नशे की हालत में होता है, फैसला करने की कुव्वत नहीं है दिमाग में, ज़हनी बीमार है। तो आप ये देखो कि सब जहाँ बाई इलेक्शन हुए सब जगहों से खड़ा हो गया, और जब बाई इलेक्शंस, कौम का पैसा लगता है इन बाई इलेक्शंस में, मुफ्त बाई इलेक्शंस नहीं होते। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं सबसे पहले इसको कहूँ कि ये पैसे इधर रखो ना जो पहले कौम के लगवाए हैं, ये आपके वालिद साहब का पैसा नहीं है, ये इस कौम का पैसा है, ये 22 करोड़ अवाम का जीता जागती अवाम का मुल्क है, मेहनत करती हुई अवाम का मुल्क है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब दिल किया असेंबली तोड़ दी, जब दिल किया साइफर का रोना रो दिया, उसके साइफर की आड़ में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान तोड़ दी, और आज उसी असेंबली में वापस जाने के लिए दिन रात मिन्नतें कर रहे हैं। ये तजाद देखें ज़रा, और ये तजाद नहीं है, ये मंशियात ज़्यादा दिमाग के फैसले हैं। तो ये अदलिया को भी ये सोचना चाहिए किस इंसान के कहने पर ये फैसले हो रहे हैं, किस इंसान के, जिसका सुबह फैसला कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, अपने लोगों को कहता है बाहर निकलो, खुद घर में बैठा होता है। और फिर वो जो कल PTI का कारकुन हलाक हुआ, मैं कल, मेरा दिल खून के आंसू रोया जब मैंने रात को वो तस्वीर देखी। नौजवानों, मैं आपसे मुखातिब हूँ, वो तस्वीर देखी जब उस नौजवान के बाप को, वालिद को, उम्र रसीदा वालिद को जमान पाक बुलाया अफसोस करने के लिए, वो साइड पे इस तरह बैठा हुआ था जैसा वो इनका कोई पेड मुलाजिम होता है, वो उसका बच्चा हलाक हुआ है, उसका बच्चा जान से गया है, और उसको बुला, और टांग पे टांग रखी हुई थी, जूते का मुंह उस बुजुर्ग की तरफ था। मैंने किसी भी सियासी कारकुन की इससे बड़ी तजलील नहीं देखी,
इससे बड़ी तजलील मैंने नहीं देखी। तो जो अपने कारकुनों को, उसके वालिदैन को जो ये इज्जत देता है, उसने मुल्क के नौजवान को क्या इज्जत देनी? ये सवाल उठते हैं ना। 10 नेशनल असेंबली की सीट से खड़ा हो जाता है, इलेक्शन जीत के वो सीट्स छोड़ देता है। ये कोई बच्चों का खेल है? मुल्क के पैसे लगते हैं इसमें, सारे पैसे इससे निकलवाने चाहिए। फिर मैं देखूं कितनी जगह खड़ा होता है, जिसका घर कोई और चलाता है, जिसका किचन कोई और चलाता है, जिसने मुल्क के तोहफे, मुल्क को मिलने वाले तोहफे बेच बेच के अपनी नस्लें संवार ली, जिसकी बीवी 5-5 कैरेट का एक एक रिंग लेती रही, एक एक फाइल पे दस्तखत करने के बदले। जिसने 4 साल में सवाए पैसा बनाने के और कुछ नहीं किया। ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा, जो ताकतवर दोस्त था, 55 अरब रुपया, 1.9 मिलियन पाउंड उसकी जेब में डाल दिया, अपनी काबीना को भी नहीं बताया। काबीना पूछती रही, जो लफाफा तुम लहरा रहे हो इसमें क्या है? कोई जवाब नहीं। मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी नवाजूं। वो प्रॉपर्टी टाइकून की जेब में पैसे इसने डाले। आपके वालिद साहब के पैसे तो नहीं थे, इस कौम के पैसे हैं। और आप ये देखें कि जब से बैसाखियाँ गई हैं, हमेशा से बैसाखियों पे था, चाहे वो जनरल पाशा हो या वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो, कोई भी, जब से बैसाखियाँ गई हैं तब से इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही, इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आदत है इनको। तो क्या इस मुल्क में कौम के फैसले चलेंगे, नौजवानों के फैसले चलेंगे या बैसाखियों के फैसले चलेंगे? ये तो फैसला अब हो जाना चाहिए। ये जो मैं बात करती हूँ कि पैरे तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, इसके ऊपर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेस करता है। नौजवानों, इसके ऊपर आपका मुस्तकबिल बेस करता है। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, उस मुल्क में तरक्की नहीं आ सकती, उसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। और जो लोग इसका साथ देते हैं, मैं उनकी अकल पे हैरान हूँ कि ये जो अभी ऑडियोज आई हैं, जिसके अंदर कोई कह रहा है कि ये हमारे अपने जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई कह रहा है मैं ट्रक खड़ा कर दिया हमने बाहर लाके, और कोई ये कह रहा है कि अपनी ये फलां जज के आगे केस लगाओ, बेंच फिक्सिंग हो रही, खुलेआम हो रही है। एक साइड पे ये लोग हैं कि चोरियां की हुई, 4 केसेस हैं इमरान के ऊपर, वैसे तो 4 केसेस मंजरेआम पे आए हैं ना, 4 साल सवाए चोरी डाके के और कुछ किया नहीं है, 4 केसेस हैं इस वक्त। एक टेरियन खान का केस है, क्या वो केस सच नहीं है? मुझे बताएं, क्या वो केस सच नहीं है? जमायमा खान ओन करती है उसको, ये ओन नहीं करता अपनी बेटी को, इसको अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी सियासत अजीज है। मेरी 2 बेटियां, मैं सोच नहीं सकती कि मैं अपनी बेटियों को उनका हक ना दूं, और मैं किसी और सियासी फ़ायदे को के लिए अपनी बेटियाँ कुर्बान कर दूँ। हर बाप इस चीज़ के साथ रिलेट करता है, हर माँ इस चीज़ के साथ रेजोनेट करती है, हर भाई इस चीज़ के साथ रेजोनेट करता है। आपको अपनी सियासत प्यारी है, लेकिन आपने अपनी बेटी को कि मुजरिम है आप, वो आपका नाम नहीं ले सकती, आप उसका नाम नहीं ले सकते, सोचो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। और दूसरों को बुलाते हैं, मुझे नानी कह के बुलाते हैं, तो मैं तो बड़े फ़ख्र से कहती हूँ, काश आपने ज़िंदगी में अच्छे फैसले किए होते, आप मियाँ साहब की उम्र के हैं, आज आप भी नाना दादा होते। क्या सबक दे रहे हैं कौम के नौजवानों को? मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं जाना चाहती, मगर ये केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। ये बात अपनी बेटी छुपाने का नहीं, ये बात है कि आपने अपनी बेटी के बारे में कौम से झूठ बोला, आपने अपने वोटर्स से झूठ बोला, आपने कौम के नौजवानों से झूठ बोला, आपने उनको इतनी इज्जत के काबिल नहीं समझा कि आप उनसे सच बोलें। तो जवाब तो देना पड़ेगा। ये जो भाग रहे हैं कोर्ट से, एक तरफ नवाज शरीफ साहब की बेगुनाह होते हुए 200 पेशियां हैं और एक तरफ 2 पेशियां, उसकी वजह क्या है? बार बार अदालत बुला रही है, हाजिर हो जाओ हाजिर हो जाओ। नवाज शरीफ साहब को कहा जाता था 1 घंटे में नवाज शरीफ हाजिर हो, हफ्ते में 5 दिन बेटी के साथ हाजिर हो, वो हाजिर होता था, मैं भी हाजिर होती थी। तो आपको कौन से सुरखाब के पर लगे हुए? ये जो बिस्तर के नीचे छुपे होते हैं ना, चारपाई के नीचे, बेड के नीचे, पुलिस आ गई है चली गई है,
ये क्यों है, ये जो इतनी बड़ी डायकॉटमी है ये क्यों है कि जलसे के लिए आप तैयार हैं, कल रैली निकाल रहे थे, और ये भी मैं बता दूं वो रैली इसलिए नाकाम हुई कि रैली के लिए बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। बहुत बुरी बात है, सियासी कारकुनों पे तशद्दद नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये सियासी कारकुन है? 2014 में दुनिया ने देखा किस तरह इन्होंने धरने में पुलिस वालों को डंडे मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ी, याद है ना वो सब। कल भी दुनिया ने देखा कि पुलिस वालों को, दर्जनों पुलिस वाली जख्मी हुए। कारकुनों, सियासी कारकुनों की बात हो रही है, ये उसको लेके रो रहे हैं, उसको लेके इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो सियासी कारकुन कर क्या रहे हैं। वो पुलिस की गाड़ियां जला रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को डंडे मार के तोड़ रहे हैं, पुलिस के नौजवान, वो भी कि पुलिस के नौजवान भी किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, या कासिम और सुलेमान की जिंदगी की कीमत है और मेरे पुलिस वालों के नौजवानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? चाहे वो पीटीआई का कारकुन हो, उसकी जान की भी कीमत है। खुद तुम बुजदिलों की तरह छुपे बैठे हो और कौम के नौजवानों को कहते हो आओ आके मेरे लिए लड़ो। क्यों लड़े वो? उस लीडर के लिए लड़े जो कमरे में छुप के बैठा है? जब पुलिस आती है तो घर में मौजूद होता है और कहता है लिख के दे दो, नॉट अवेलेबल। तो मैं ये, और ये सिर्फ ड्रामाबाजी इसलिए है, ये 5 महीने से जो प्लास्टर नहीं ना उतर रहा टांग के ऊपर से, ये सिर्फ इसलिए कि ये कोर्ट्स को अवॉइड करना चाहता है, और कोर्ट्स को अवॉइड इसलिए करना चाहता है कि जो चारों केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, टेरियन वाइट और 190 मिलियन का जो केस है, ये चारों केस सच्चे, चारों केस सच्चे, और ये जानता है कि ये सच्चे। इसको पता है कि ये जब टेरियन वाइट केस में पेश होगा तो ना ये उसको ओन कर सकता है ना उसको डिसओन कर सकता है। ओन करता है तो डिसक्वालीफाई होता है, डिसओन करता है तो झूठ पकड़ा जाता है। तोशाखाना में सिर्फ चोरियां नहीं की, उन चोरियों को छुपाया भी है। फरा गोगी जो है, वो जब तोशाखाना के तोहफे दुबई में बेच कर आई, तो वो आपको पता है कि वो बेचे हुए जो पैसे थे, जो तोहफे बेच के पैसे लिए थे, उनको किसी बैंक के जरिए ट्रांसफ़र नहीं किया गया, क्योंकि हराम का पैसा था। उसको प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज में सूट केसेस में बंद करके वो पैसे लेके आए। मनी लॉन्ड्रिंग और किसको कहते हैं? लोगों पे तो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगाते हो खुद तुम। ये अभी तभी रातों रात फरा गोगी को फरार करा दिया, क्योंकि उसको पता था कि ये जुराइम उसने किए हुए, इसीलिए कोर्ट में पेश नहीं होता। हर केस में ये मुजरिम है, ये जानता है, इसलिए कोर्ट को अवॉइड कर रहा है। और देखें ना, दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाने वाला, जिसके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है। आज आप देखें, लोगों को मेरी माँ के कैंसर का मजाक उड़ाया, शहबाज शरीफ साहब के कैंसर का मजाक उड़ाया, शहबाज शरीफ साहब की बैकएक का मजाक उड़ाया, और आज आप देखें अल्लाह ताला का करना क्या होता है। हर चीज़ जो है वो कोर्ट्स में डिसाइड नहीं होती, ये दुनिया है, इस दुनिया में सज़ा और जजा का फैसला होता है। वो कहते हैं ना कि जो सज़ा और जजा है वो सिर्फ हशर पे मौकूफ़ नहीं है, दुनिया में ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है इंसान को। तो आज आप देखें, कभी कह रहे हैं मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी टांग में तकलीफ़ है, मैं नहीं आ सकता। कभी ऐसी ऐसी बीमारियों का नाम ले रहे हैं कि मैं उनका नाम नहीं ले सकती, और बीमारियों के पीछे छुप रहे हैं। कल जब रैली निकालनी थी इलेक्शन की, तो कोर्ट्स के लिए बीमार, रैलीज के लिए तैयार। कोर्ट बुलाती है तो कहते हैं मेरी जान को खतरा है। भाई, कोर्ट में जान को खतरा होती है या रैलीज में जान को खतरा होता है? मेरी जान को भी बहुत दफ़ा इंटीरियर मिनिस्ट्री की एजेंसीज के थ्रेट मेरे हाथ में पकड़ाए जाते हैं, बहुत बार। आपको पता है कि एक वाकया मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और हम हेलीकॉप्टर में जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब का प्रोग्राम था, हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें हेल्थ कार्ड जो था उसके लिए हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद में वो लॉन्च करना था, तो हम जब हेलीकॉप्टर में बैठे तो प्राइम मिनिस्टर को आके उनके जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, उन्हें हेलीकॉप्टर में उनको एक कागज़ दिया। मैं ये बात बिल्कुल हल्फन, उन्होंने एक कागज़ दिया और उन्होंने उस कागज़ पे लिखा था कि आज आपकी जो फ़्लाइट है हेलीकॉप्टर की,
बनी गाला के अंदर छुप के दहशतगर्द, क्योंकि उन दिनों ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद चल रहा था, का दहशतगर्द वहाँ पर वो लॉन्ग रेंज वो लगा कर बैठे हुए हैं वेपन्स, और वो फायर करेंगे हेलीकॉप्टर पे, तो आप ना जाएं। अभी हेलीकॉप्टर हम बैठे हैं, सीट बेल्ट बांध रहे थे, तो मियाँ साहब ने वो मुझे दिखाया, तो मियाँ साहब ने उसको कहा ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में। मुजफ़्फ़राबाद में, मुजफ़्फ़राबाद में आवाम मेरा इंतज़ार कर रही है, आप रास्ता बदल लें, लेकिन मैं जाऊँगा, ये हेलीकॉप्टर को अभी टेक ऑफ कराएं। ऐसा होता है लीडर। और ये जिस वक्त कोर्ट में जाना हो उस वक्त मेरी जान को ख़तरा है, भाई रैलीज में जान को ख़तरा नहीं? अभी मैंने डीजी खान जाना था, राणा सलाउल्ला साहब ने मुझे नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा वहाँ पर दहशतगर्दी का अलर्ट आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ख़तरा तो जान का रैलीज में होता है, जलसों में होता है, क्योंकि वहाँ आप एक्सपोज्ड होते हैं, आपको नहीं पता कि 5,000 10,000 15,000 के जो मजमा है उसमें कौन टेररिज्म का कोई आ गया है, कोई खुदकुश हमला अगर आ गया है, या किसी के पास कोई वेपन है। मैं मुझे अच्छी तरह याद है, अभी पिंडी में मेरा कन्वेंशन था, तो वहाँ से एक असला बरदार शख्स पकड़ा गया, उसकी जेब में पिस्तौल थी, मैं तो नहीं डरी, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। लीडर्स को जान हथेली पे, ठीक है एहतियात ज़रूरी है, लेकिन एहतियात का मतलब ये नहीं कि उसको ढाल बना के तो आप अपने एहतसाब से भाग जाएं। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये फ़ैसले पाकिस्तान की यूथ को बहुत समझदारी से करने, पाकिस्तान की यूथ के हर नौजवान का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, ये बात आप जान लें कि आपका वोट, आपका फ़ैसला इस मुल्क की तकदीर के ऊपर असरअंदाज होगा। ये कोई सोच समझ के फ़ैसला करें, 18 साल के बच्चे हैं, वोटर बन गए, लेकिन आपकी वोटर के साथ एक वोटर, आप जब डिक्लेयर होते हैं तो उसके साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके सर पे, आपने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है, और वो मुस्तकबिल का फ़ैसला सोशल मीडिया की पोस्ट या झूठे नारों से नहीं हो सकता, वरना आप ज़िम्मेदार हो सकते हैं, वरना नुकसान खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान का हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की यूथ का होगा, वो होपलेस हो जाएगी इस मुल्क के मुस्तकबिल से, उससे हमें पाकिस्तान की यूथ को बचाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस जज्बे के साथ मैदान में निकलोगे, और पाकिस्तान के लिए, अपनी जमात के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, और इस मुल्क की यूथ के लिए आप टाइड को टर्न करोगे। बोलो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान को बढ़ता फलता फूलता रखे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की यूथ जिंदाबाद। शुक्रिया। चीफ ऑर्गेनाइजर